हेलो एंड वेलकम बैक टू कोजीफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर। सो नवंबर मंथ का जो ये करंट अफेयर होने वाला है, ये होने वाला है 15th ऑफ नवंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर, क्योंकि इसके पहले का जो है फ्रॉम 1st टू 15th ऑफ नवंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वो सेशन प्रोवाइड किया हुआ है। सो हमारा नवंबर मंथ का फर्स्ट हाफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया, अभी सेकेंड हाफ बचा हुआ है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे, जिसमें होने वाली है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस एंड साइंस रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़, अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, देन उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, ओबिचुरीज, इन सारी कैटेगरीज को कवर अप किया जाएगा। सो ऑल इन ऑल ये सेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि SBI आ रहा है, SBI PO आ रहा है, SBI क्लर्क आ रहा है। सो आप लोगों के लिए इन दो एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग, मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट अभी नवंबर के पहले के सारे सेशंस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, ओके। सो आप लोग सारे सेशंस को फॉलो कर सकते हो, आपका भी दोनों का एग्जामिनेशन, दोनों का मेंस जो है वो आने वाला है, तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ उसमें मैं सारी कैटेगरीज को कवर अप करवाती हूँ, और मैंने उसी के साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशन प्रोवाइड किए। सो बैंकिंग स्टैटिक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट रिलेटेड जो डेटा होता है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है मैंने आपके सामने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि बैंकिंग अवेयरनेस के सारे सेशंस को आपको गो थ्रू करना है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ओके। सो रिसेंटली जो IBPS PO का एग्जामिनेशन हुआ, उस IBPS PO के एग्जामिनेशन हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि सेशंस मैंने आपको पढ़ाए उस सेशंस में से देखने को मिले, एंड मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं कि मैम आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो है वो देखने मिले हैं। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको उसके लिए सारे सेशन को पहले तो गो थ्रू करना होगा, मतलब कि प्रीवियस 6 मंथ के सारे सेशंस देखने होंगे, बैंकिंग स्टैटिक देखना होगा, बैंकिंग स्टैटिक के साथ साथ बैंकिंग का जो करंट भी मैंने प्रोवाइड किया है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। सो दैट आप लोगों का अगर कंप्लीट पैकेज प्रिपरेशन होगा तो डेफिनेटली आपका जो भी अपकमिंग का एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा, ओके। सो सारे सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर आप इसका ईबुक चाहते हो, जो भी मैं आपको सेशन प्रोवाइड करती हूँ उन सभी का ईबुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। सो उसके लिए आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्ले स्टोर से कोचिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स के साथ, एंड आफ्टर दैट स्टडी मटेरियल के टैब के आपको टैब में आपको ईबुक का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे ईबुक्स मिल जाएंगे। जो भी सेशन मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ उन सबके ईबुक्स में मैं वहां पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, ओके। सो आपको रिवीजन करना है तो आप ईबुक के थ्रू कर सकते हो, आपको कंप्लीट सेशन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो, ओके। सो आपकी एग्जामिनेशन जो है अभी 2 SBI की आने वाली है, तो आपको प्रिपरेशन बहुत हार्डली करना है, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे मंथली वीकली करंट अफेयर को प्रिपेयर करते रहते हैं तो हमको टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन करना होता है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर नहीं करते। तो टाइम पे अगर आप लोग एक बार पढ़ के अगर करंट अफेयर्स जाते हो तो आपको बहुत इजीली आंसर याद नहीं आते हैं, बहुत प्रेशराइज करना पड़ता है माइंड को, तब जाके हमें कोई क्वेश्चन का आंसर याद आता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अभी आप लोगों के पास वक्त है तो अच्छी तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर कीजिए, सारी कैटेगरीज में प्रिपेयर कीजिए, हर एक चीज आपको आनी चाहिए, वो बैंकिंग भी आना चाहिए, वो आपको जो अपॉइंटमेंट्स हुई रिसेंटली वो भी आनी चाहिए, आपको जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज कवर अप हुई है वो भी आनी चाहिए, हर एक कैटेगरी आपकी कवर अप होनी चाहिए, और हर एक कैटेगरी ही मैं आप लोगों की कवर अप करवाती हूँ इन एवरी करंट अफेयर का सेशन, ओके। सो सारे सेशन देखिएगा, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। इसके अलावा आप आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के जो भी सेशन चाहते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपको सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी, ओके। सो अभी हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज मेडन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो है रिलायंस इंडस्ट्री अपना पहला, मतलब कि इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो निर्माण करेगा, बिल्ड करेगा। सो वो है चेन्नई, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द प्रोजेक्ट टू बिल्ड इंडिया
इंडियाज फर्स्ट मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु। सो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसा अवार्ड दिया गया है कि वो जो है इंडिया का पहला मल्टीमोडल प्रोजेक्ट जो है लॉजिस्टिक पार्क जो है उसे चेन्नई तमिलनाडु में ओपन करेगा। ओके, सो ऑप्शन ई को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज अ ग्रुप ऑफ 11 मेंबर। सो असेन के जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 11वां कंट्री जो है वो मेंबर बनने जा रहा है। सो किसको जो है इसके लिए सहमति दी गई है, कौन सा कंट्री जो है 11th मेंबर बनेगा, दैट इज इस टिमोर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टिमोर जो है वो 11th मेंबर बनने वाला है असेन का। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेन में अभी एट प्रेजेंट अभी तक जो थी वो 10 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, बट अभी जो एडअप हो रहा है दैट इज इस टिमोर। सो टोटल अभी मेंबर हो जाएंगे 11 मेंबर। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियस 10 थे और अभी आफ्टर एडिंग ऑफ टिमोर 11 हो जाएंगे। ओके, असेन का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, एस्टैब्लिश हुआ था 8 ऑफ अगस्त 1967 में। ओके, एंड इस टिमोर की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट करेगी, दैट इज श्रीलंका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस का T20 जो है 2024 का अंडर 19 का श्रीलंका होस्ट करेगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए 26 का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, तो 26 का होस्ट करेंगी, दो कंट्रीज होस्ट करिए, दैट इज जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। सो ये ध्यान में रखना होगा। अब ये बात थी मेंस T20 वर्ल्ड कप की। अगर हम बात करते हैं वीमेंस T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 कैटेगरी का, 2025 का होस्ट करेगी मलेशिया एंड थाईलैंड, एंड 2027 का होस्ट करेगी बांग्लादेश एंड नेपाल। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एडिशन ऑफ रिसेंटली हेल्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विच टुक प्लेस इन दिल्ली। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सा एडिशन था रिसेंटली जो IITF इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ जो कि दिल्ली में हुआ। सो उसका इस साल कौन सा एडिशन था, दैट इज 41st। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो 41st एडिशन था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, जिसका थीम ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। ये आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो फेयर हुआ दैट विल बी हेल्ड एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम ब्रांड ऑफ इंडिया हैज टॉप द इंडियाज मोस्ट डिजायर ब्रांड 2022। सो इनमें से कौन सी टेलीकॉम ब्रांड है, देखिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम पूछा गया है क्योंकि इंडिया की मोस्ट डिजायर ब्रांड 2020 में अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग आया हुआ है। सो हमें इस क्वेश्चन में टेलीकॉम ब्रांड का जो रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन सी कंपनी है ये हमें बताना है, दैट इज रिलायंस जियो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो टेलीकॉम ब्रांड में इंडिया की जो मोस्ट डिजायर ब्रांड है दैट इज रिलायंस जियो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलायंस जियो ने जो है वो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, इनको पीछे रखते हुए रैंक में सबसे आगे आई है, टॉप किया है। अब आप साइड में देख पा रहे होगे इंडियाज मोस्ट डिजायर ब्रांड ऑफ 2022। सो अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप कैटेगरी जो है डेल ने टॉप किया है, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स MI ने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिलेटेड टू दिस, दैट इज इंडिया मोस्ट डिजायर ब्रांड 2022। सो आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कैटेगरी में, सबसे पहला पॉइंट वही है कि टेलीकॉम कैटेगरी में टॉप किया है, उसके बाद आता है भारतीय एयरटेल, देन आता है वोडाफोन। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल लिस्ट में, तो वहाँ पे BMW ने टॉप किया है, उसके बाद आता है टोयोटा, ठीक है, देन उसके बाद ह्युंडई एंड देन होंडा। ओके, अगर बात की जाए
एनर्जी लिस्ट की तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टॉप किया है इन द एनर्जी लिस्ट फॉलो बाय द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड अदानी. देन LIC ने रैंक किया है नंबर वन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, देन उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन थर्ड पे आता है ICICI बैंक. ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिप्स टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स लिस्ट. तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स में सबसे टॉप पे आता है फिलिप्स. देन आता है MI ऑन गैजेट लिस्ट. अब ये MI जो है वो गैजेट की लिस्ट में टॉप करता है. हिमालय जो है वो हेल्थ केयर की लिस्ट में टॉप करता है. ITC होटल्स जो है वो हॉस्पिटैलिटी में टॉप करता है. ACC जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में टॉप करता है. KFC जो है वो रिटेल में टॉप करता है एंड डेल इन टेक्नोलॉजी सेक्टर. ओके, सो ये सब मैंने एक ही पॉइंट में अलग अलग कैटेगरीज में कौन सी कंपनी ने टॉप किया ये मैंने कवर अप किया. देन आगे बढ़ते हैं तो कंज्यूमर अप्लायंस में टॉप किया केंटन then LivePure then Okaya. देन अगर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो अमूल जो है उस ब्रांड ने टॉप किया इन फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी फॉलोड बाय द नेस्कैफे. देन फॉग वाज द टॉप FMCG ब्रांड फॉलोड बाय द लैक्मे नीविया एंड देन कोलगेट. ओके, सो फॉग ने टॉप किया है इन FMCG कैटेगरी. ओके, देन आदिदास ने जो है वो टॉप किया है. उसके बाद आता है नाइके रेमंड देन एलन सोली पीटर इंग्लैंड इन अपेरियल कैटेगरी. ओके, देन है टॉप रैंक फर्म ऑन द इंटरनेट ब्रांड लिस्ट आर Amazon, Facebook, Flipkart एंड Google. ठीक है, सो टॉप रैंक फर्म्स की अगर बात की जाए इंटरनेट ब्रांड्स की तो वो है सबसे पहले Amazon, देन Facebook, देन Flipkart, देन Google. एंड ITC टॉप द डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट लिस्ट फॉलोड बाय द टाटा एंड रिलायंस. ओके, तो ITC ने टॉप किया है. ओके, सो ये थी इंडिया की मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड 2022 की अलग अलग कैटेगरीज में. तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. यहाँ पे हमने टेलीकॉम को कवर अप किया था. ओके, सो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारी बताई है. इंपॉर्टेंट आप ऑटोमोबाइल ध्यान में रख सकते हो, आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का ध्यान में रख सकते हो. ओके, सो कुछ भी पूछा जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा who has been elected as the first female president of Slovenia. So Slovenia ki jo first female president appoint hui hai, that is option A, नताशा पिर्क मुसेर. यहाँ पे ए ऑप्शन, एक्चुअली ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही ध्यान में रखना होगा. नताशा पिर्क मुसेर जो है वो स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुई है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट फीमेल अपॉइंट है तो पूछा जा सकता है. अब स्लोवेनिया की आप लोगों को कैपिटल या फिर करेंसी भी पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने दिया है, आप ध्यान में रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसके लिए सबसे मूल्यवान टीम के जो कैप्टन के रूप में नामित किया गया है, दैट इज जॉस बटलर. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं एंड इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, वो इंग्लैंड ने ही जीता है पाकिस्तान को हराकर. ओके, सो ये जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. ओके, सो वहाँ पर इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी और मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो कप्तान के रूप में नामित किया गया, दैट इज जॉस बटलर. देखा जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स आए हुए हैं, वो नेक्स्ट लाइन में आपको मैं बताती हूँ. आपको यहाँ पे कैप्टन पूछा गया, दैट इज जॉस बटलर. सो नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इतने सारे जो खिलाड़ी है इन सभी को ये जो है इससे नामित किया गया है. ठीक है, सो आप लोग ध्यान में रख सकते हो. ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैप्टन बोला था तो हमारा आंसर था जॉस बटलर. ओके, हमारे इंडिया से जो है वो विराट कोहली है थर्ड नंबर पे, सूर्य कुमार यादव है फोर्थ नंबर पे एंड ट्वेल्थ नंबर पे है हार्दिक पांड्या. ओके, सो ये आप ध्यान में रख सकते हो. ये है मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज वन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022. सो मका का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इस साल का किसने जीता है, दैट इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अ रोलिंग ट्रॉफी विच इज गिवन टू यूनिवर्सिटी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर द ईयर. सो जिस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता है ओवर द ईयर, उस यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. सो इस साल दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को. ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1969 को. और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इस यूनिवर्सिटी को ये जो ट्रॉफी है 23rd टाइम्स मिला है. ओके, सो इस यूनिवर्सिटी को जो अवार्ड दिया गया है 23वीं बार दिया गया है.
इससे पहले इस यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये सेम ट्रॉफी 22 टाइम्स हासिल की है, ये अमृतसर में सिचुएटेड है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्लान्स has launched a plan named a global shield. So इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड को? ओके, सो वो है G7 ग्रुप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 ने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड को, 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे। ओके, सो ये जॉइंट इनिशिएटिव है G7 का एंड V20 का, इन दोनों ने मिलकर जो है इस ग्लोबल शील्ड को जो है लॉन्च किया है। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च एट COP27 बाई द G7 एंड V20 टू बेटर प्रोटेक्ट poor and vulnerable people from disasters by pre-arranging more financing before disaster strike. So disaster होने से पहले ही उनके लिए जो सुविधा provide की जाएगी वो ये जो है ये ग्लोबल शील्ड के थ्रू किया जाएगा। सो ये जॉइंट इनिशिएटिव G7 एंड V20 का है और ये लॉन्च हुआ COP27 में। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 में कौन सी कंट्रीज के मेंबर्स हैं अगर मैं बात करूँ तो वो है कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ओके, सो ये सारी कंट्रीज कवर करती है G7 ग्रुप में। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और इस साल का जो COP27 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन वर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलेट्स कमीशन रिस्पेक्टिवली। सो कितने मेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलेट कमीशन के लिए जो है कितने मेंबर्स को जो है चुना गया है? सो मेन और वुमेन की बात की जाए तो 5 मेन एंड 5 वुमेन को जो है चुना गया है। सो 5 पुरुष रहेगी और 5 महिला खिलाड़ी को जो है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब वो 5 एथलीट कौन से हैं? मेन की बात की जाए तो ओम प्रकाश कन्हाना, शिवा केशवन, गगन नारंग, बजरंग लाल एंड शरद कमल, ये मेन कैटेगरी में आते हैं। वुमेन की बात की जाए पीवी सिंधु, मैरी कॉम, भवानी देवी, रानी रामपाल एंड मीराबाई छानू, सो ये आती है वुमेन कैटेगरी में। ओके, सो इन एथलेट्स को जो है चुना गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए तो वो फाउंड हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट है आदिल सुमरीवाला एंड सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुआज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्योंकि हम वही डिस्कस करें तो एक और क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड आपके लिए डाला है, दैट इज कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन अध्यक्ष कौन बनी है, दैट इज पीटी उषा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटी ईशा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है उसके लिए उन्हें चुना गया है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन हिस्ट्री टू लूज 1 ट्रिलियन मार्केट कैप। सो ये बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी जो कि पहली कंपनी बन गई है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल जो है वो लूज किया है, तो वो है अमेजोन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अमेजोन ने जो है रिसेंटली अपना जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल जो है वो खो दिया है और ये मतलब इन्होंने ऐसा इतिहास बनाया, ये पहली कंपनी बनी है। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द व्हाट्सएप हु हैज रिसेंटली रिजाइंड। सो यहाँ पे बोला है व्हाट्सएप के जो हेड है उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है, उनका नाम क्या है? दैट इज अभिजीत बोस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्हाट्सएप के हेड है अभिजीत बोस, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है एंड मीडिया इंडिया के जो डायरेक्टर है राजीव अग्रवाल, उन्होंने भी कंपनी को लेफ्ट किया है। सो यहाँ पे ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, व्हाट्सएप एंड मेटा में है राजीव अग्रवाल एंड व्हाट्सएप के हेड है अभिजीत बोस। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय द इंडिया एट COP27 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड UNDP। सो बोला है कि उस कैंपेन का नाम क्या है जो कि इन COP27 में लॉन्च किया गया, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड UNDP द्वारा। सो उस कैंपेन का नाम है इन आर लाइफ टाइम। सो इन आर लाइफ टाइम ये कैंपेन जो है ये एनकरेज करेगा 18 से 23 साल के यूथ को टू बिकम अ मैसेज बियरर ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ओके, सो
ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया था ये इंडिया द्वारा किया गया था COP27 में. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइन है MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज फॉर डेवलपिंग द इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसने MOU साइन किया इनमें से कौन सी एजेंसी के साथ जिसके थ्रू वो डेवलप करेगा इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को. सो वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ वो MOU साइन कर रहा है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. सो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों ने MOU साइन किया है जिसके थ्रू वो डेवलप करेंगे. क्या डेवलप करेंगे? वो एक इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को जो है वो लोग डेवलप करेंगे. ओके, सो ये कंप्लीटली जो है ये इंडिया में ही इसे कंप्लीटली बनाने की कोशिश की जा रही है. इंडिजिनस मतलब कि जो कंप्लीटली इंडिया के थ्रू ही डेवलप होता है. ओके, सो ये BEL एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का MOU है. ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवी टेक्नोलॉजीज. सो नवी टेक्नोलॉजीज के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं ये हमें बताना है. दैट इज महेंद्र सिंह धोनी. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नवी टेक्नोलॉजीज जो है ये क्या करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करता है लाइक अ पर्सनल लोन, होम लोन, जनरल इंश्योरेंस एक्सेट्रा. सो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अम्लान प्रोग्राम रिसेंटली. सो अम्लान प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दैट इज उड़ीसा. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अम्लान का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, दैट इज अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान. ठीक है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है इस अम्लान का फुल फॉर्म. ये पूछे जाने की चांसेस हाई है. कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इसके थ्रू उनका यही टारगेट है कि वो कंप्लीटली एनीमिया को जो है, जो विमेन चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली फ्री कर सके, उसको एनीमिया मुक्त कर सके, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है. उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है, जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और CM जो है वो नवीन पटनायक है, उन्होंने ही इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है. ओके, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4-7 ऑफ दिसंबर. सो कौन सी सिटी जो है होस्ट करेगा पहला G20 शेरपा मीटिंग को इंडिया में 4-17 दिसंबर के बीच में. दैट इज ऑप्शन सी उदयपुर. उदयपुर राजस्थान में जो है फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो है वो होने वाला है इंडिया में. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. द मीटिंग इज एम एट फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड बिल्डिंग बॉन्ड्स बिटवीन द 20 नेशंस. ओके, उदयपुर जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो यहाँ पे ये G20 शेरपा मीटिंग जो है वो होस्ट होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस म्यूजियम कॉन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. सो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लेस है या फिर कौन सा ऐसा म्यूजियम है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है एट यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022. सो वो है ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय. ये जो है इसे दिया गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिमाऊ शक्ति 2022 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज. सो हरिमाऊ शक्ति ये किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सो वो है इंडिया एंड मलेशिया का. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. हरिमाऊ शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कहां पे कमेंस किया गया है, मलेशिया में ही किया गया है ऑन 20th ऑफ नवंबर एंड विल कल्मिनेट ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2022. ओके, सो ये कहाँ पर हुआ ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. और सो हरिमाऊ शक्ति जो है ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड मलेशिया का बीच का है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो देशों का बीच का ये एक्सरसाइज है. सो ये है इंडिया एंड मलेशिया का. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ मलेशिया में ही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फिल्म हैज वन द गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द 53rd
एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो अभी जो 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसका जो है गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जो है फॉर द बेस्ट फिल्म, कौन से फिल्म ने जीता है ये हमें बताना है। दैट इज ऑप्शन ई, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने जीता है गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म। सो ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा। इसके डायरेक्टर जो थे वो थे वेलेंटीना मॉरेल। ओके, सो इस फिल्म ने जीता है गोल्डन पीकॉक। ओके, क्यों, कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में। ओके, सो 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, तो ये गोवा में हुआ। ऑलरेडी मैंने 1st to 15th of November का जो आपका एक सेशन करवाया उसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई रिलेटेड टू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 53rd एडिशन का अभी रिसेंटली गोवा में हुआ। सो उसके बारे में अगर आप लोगों को और भी जाना है तो वो सेशन भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सेशन देख रहे हो नवंबर का जो कि है 15 से 30 तक का, तो इससे पहले हमने 1st to 15th of November का भी सेशन मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। वो सेशन भी आप गो थ्रू कर सकते हो। अपकमिंग एग्जामिनेशन SBI क्लर्क एंड SBI PO के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म जो है वो है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके डायरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ, रिसेंटली रिलीज अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर OTC ट्रेड्स इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन विच न्यू गाइडलाइन वुड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st of January 2023। सो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो है किसने एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट OTC ट्रेड्स के लिए जो है रिलीज किया है। ओके, जिसकी जो गाइडलाइन है वो 1st of January 2023 से लागू किया जाएगा। ठीक है, सो ये रिलीज किया है SEBI ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर द OTC ट्रेड्स एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मेट जो है वो रिलीज किया है। तो ये SEBI ने रिलीज किया है और इसकी गाइडलाइंस जो है वो लागू की जाएंगी 1st of January 2023। तो आपको ये डेट भी ध्यान में रखना होगा, किसके लिए लॉन्च किया ये भी ध्यान में रखना होगा और किसने लॉन्च किया ये भी ध्यान में रखना होगा। अब बात कीजिए SEBI के थोड़ा स्टैटिक की, तो SEBI फॉर्मड हुआ था ऑन 12th ऑफ अप्रैल 1988, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड चेयरमैन है मदबी पुरी बच, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई चेतना जेंडर कैंपेन वॉज लॉन्च इन तमिलनाडु अंडर विच स्कीम। सो नई चेतना ये एक जेंडर कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है तमिलनाडु द्वारा, कौन से स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन डी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा इस न्यू कैंपेन नई चेतना को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। ओके, सो आपको अब यहां पे क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किसने लॉन्च किया है, किस स्कीम के द्वारा लॉन्च किया है तो मैंने आपको बताया है, एंड आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कौन सा न्यू जेंडर कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज नई चेतना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द नेशन campaign organized by the union government aims to enable women to acknowledge gender-based violence, prepare them to raise their voices against it and provide them with the knowledge about their rights. Okay, so ye gender campaign hai jisme women ko jo hai acknowledge kiya jayega gender-based violence ke liye, theek hai, wo apna awaaz utha sake. Okay, aur unko jo hai knowledge isi ke bare mein jo knowledge hai wo provide kiya jayega, unke jo rights hai, ठीक है, जिसके लिए वो आवाज उठा सके, जिसके लिए वो आगे आ सके, उनके बारे में उन्हें अवेयरनेस दी जाएगी। ओके, सो ये नई चेतना कैंपेन जो है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरेटापट्टी विलेज हैज बीन डिक्लेयर एज अ फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दिस विलेज इज सिचुएटेड। सो आरेटापट्टी विलेज जो है इसे डिक्लेयर किया गया फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट है, सो ये कौन से स्टेट का, कौन से विलेज में ये सिचुएटेड है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये है तमिलनाडु में सिचुएटेड, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो विलेज है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। सो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और तमिलनाडु का ये सबसे पहला फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट है, क्या है, आरेटापट्टी विलेज। ओके, सो ये आरेटापट्टी विलेज कहाँ पे आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु स्टेट में आता है। ओके, और ये तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी साइट है। ओके, इंडिया में अभी तक 35 बायोडायवर्सिटी साइट है। ओके, और ये तमिलनाडु का फर्स्ट है। ठीक है, इंडिया का ये 35th है और ये तमिलनाडु का फर्स्ट है, इस तरह आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023 द इंडिया गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट। सो 2023 के रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, दैट इज इजिप्ट। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी, इन्हें एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए जो है 2023 में इन्हें इनवाइट किया गया है, तो ये आने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो आपको इसी के साथ साथ इजिप्ट की कैपिटल करेंसी भी ध्यान में रखना होगा, दैट इज कैरो एंड पाउंड, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट विल बी चीफ गेस्ट इन ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट जो है सेलिब्रेशन के लिए एज अ चीफ गेस्ट जो है वो आने वाला है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैनरा बैंक हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। सो रिसेंटली जो है कैनरा बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी किया है। ओके, सो वो है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनरा बैंक जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये उन्होंने कब अनाउंस किया था, कैनरा बैंक का रिसेंटली 117th फाउंडेशन डे जो है वो मनाया गया ऑन 19th of November। सो उस दिन उन्होंने जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू करने के लिए जो है कैनरा बैंक ने जो है पार्टनरशिप किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके थ्रू क्या फायदा होने वाला है, द कैनरा बैंक विल नाउ ऑफर एन एपीआई बेस्ड डिजिटल वर्कफ्लो ऑफ बैंक गारंटी विच विल एलिमिनेट फिजिकल इंश्योरेंस स्टैंपिंग वेरिफिकेशन पेपर बेस्ड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। मतलब कि फिजिकली कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, जो भी चीज़ें होगी वो एपीआई बेस्ड एक डिजिटल फॉर्मेट लाया है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होने वाली है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द गोल्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। सो किसने गोल्ड अवार्ड जो है जीता है इन एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोग्रेस रीअरेंजिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो वो जीता है ऑप्शन बी ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने, ठीक है। सो ये जो अवार्ड दिया गया है जो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि जम्मू में हुआ, वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। सो इसे जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है किस कैटेगरी के लिए, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये जो अवार्ड है ये कहाँ पर दिया गया, जम्मू में दिया गया जब 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ उस टाइम पे। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26th of November एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो 26th of November को सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिसाइड किया था कि वो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएगी, ये 2015 में डिसाइड किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे को संविधान दिवस भी कहा जाता है, तो ये 2015 से ऐसा डिसाइड किया गया था कि 26 नवंबर से कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द 53 आर चैलेंज फॉर द 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। सो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जो गोवा में हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए 53 आवर्स का जो चैलेंज है वो जीता है, दैट इज डियर डायरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर डायरी ये जो फिल्म है ये टीम पर्पल के द्वारा इसे बनाया गया था। सो ये क्या था मैं आपको बताती हूँ, 53 आवर चैलेंज मतलब ऐसा था कि उन्हें 53 आवर्स दिए गए थे एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, तो उन्हें कंटिन्यूस 53 आवर्स वर्क किया एंड उस 53 आवर्स में उन्होंने एक मूवी बनाई। सो वो जो मूवी टोटल 5 मूवीज थी जो बनकर आई, उसमें से जो डियर डायरी है उन्होंने ये मेडल जो है ये जीता है, दैट इज ये जो चैलेंज जो था 53 आवर्स चैलेंज जो है वो इन्होंने जीता है डियर डायरी ने। सो ये मूवी कौन सा टीम का था, ये टीम पर्पल का था, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
इस मूवी में जो है विमेन सेफ्टी इशू को जो है हाईलाइट किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, जो बाकी फिल्म्स कंपटीशन में थी वो भी मैंने बताया आपको, अंतर्दृष्टि, द रिंग, ऑलमोस्ट, सौ का नोट। सो ये सारी मूवीज भी इसमें कंपटीशन में थी। ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये चार फिल्म्स जो थी ये कॉम्पिटिशन में थी। ओके, और यहाँ पे डियर डायरी ने जो है इस 53 आवर चैलेंज को जो है जीता है। उन्होंने शॉर्ट फिल्म डियर डायरी बनाकर, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड ये जो डियर डायरी बनाया गया टीम पर्पल द्वारा बनाया गया है, एंड इस कंपटीशन को किसने ऑर्गेनाइज किया ये भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद शॉर्ट टीवी। सो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शॉर्ट टीवी के साथ कोलैब करके इस मूवी को जो है इस कंपटीशन को जो है ऑर्गेनाइज किया है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद पांच जो फिल्म थी वो आई थी, एंड पांच में से जितने जीता है दैट इज डियर डायरी। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है वो किसके द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें विमेन सेफ्टी इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। बाकी चार फिल्म्स भी आप कंपटीशन में कौन सी है वो भी ध्यान में रख सकते हो। ओके, एंड इसे टेलीकास्ट किया गया था शॉर्ट टीवी पर ही। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द टू न्यू प्रोडक्ट फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस। सो यहाँ पे ये बोला गया कौन सी बैंक है इनमें से जिसने लॉन्च किया है दो नए प्रोडक्ट रिसेंटली NRIs के लिए। सो वो है ICICI बैंक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है उन लोगों के लिए दो नए प्रोडक्ट ICICI बैंक ने लॉन्च किए हैं, एंड दो वो प्रोडक्ट्स का नाम है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट दैट इज LAD एंड डॉलर बॉन्ड्स। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है जो प्रोडक्ट्स के नाम है वो ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, सो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बॉन्ड्स ये दो न्यू प्रोडक्ट्स है। ओके, सो ICICI बैंक के CEO है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंड किया गया था 1994 वडोदरा में। ओके, अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है, दैट इज कि ये जो नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए जो सर्विस है ये कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज इन गिफ्ट सिटी गुजरात। सो गिफ्ट सिटी गुजरात की जो ब्रांच है वहां पर NRI के जो कस्टमर्स है उनको ये सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही है। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब ये दो न्यू प्रोडक्ट्स क्या है ये मैं आपको बताती हूँ आगे। ये दो न्यू प्रोडक्ट्स है, सबसे पहला है हमारा लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब कि इसमें जो है लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द डिपॉजिट। ओके, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड डॉलर बॉन्ड्स क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है NRI के लिए, जहाँ पे वो लोग जो है डॉलर बॉन्ड्स को बुक कर सकते हैं थ्रू दी ICICI बैंक। ओके, बाकी सारा डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो ये दो न्यू प्रोडक्ट्स ICICI बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है ये लाए है। ओके, बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन प्रसाद DI अवार्ड एट द 16th फिल्म बाजार विच कंक्लूडेड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो अगेन IFS से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया कि इनमें से कौन सी फिल्म है जिसने जीता है प्रसाद DI अवार्ड। ओके, कहां पर, एट द 16th फिल्म बाजार। ठीक है, 16th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार जो है वो कंक्लूड किया गया था इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सो वहां पे जो प्रसाद डी अवार्ड जीता है वो अंगदुक ने जीता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगदुक जो है इस फिल्म ने जीता है 16th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार का प्रसाद DI अवार्ड को। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये अंगदुक जो है ये एक बांग्लादेशी फिल्म है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सब कुछ क्वेश्चन में आ जाता है, और जो पार्ट जो एक पोर्शन होता है छोटा सा जो हम थोड़ा सा पढ़ते तो है बट इतना कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ते वही हाईलाइट करके पूछा जाता है। सो ये अंगदुक जो है ये एक बांग्लादेश फिल्म है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो इसे दिया गया है प्रसाद DI अवार्ड। ओके, सो अब ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में हुआ, कब से कब तक हुआ, 20-24 नवंबर। ओके, और इस साल का जो ये अवार्ड था फिल्म बाजार का, ये एडिशन कौन सा था, 16th एडिशन था फिल्म बाजार का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी BSE हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एंश्योर दैट BSE इज एम्पावर्ड विद द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो यहां पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी इनमें से ऐसी एंटिटी है जो BSE के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है एंड जिसके थ्रू वो ये एंश्योर कर रही है BSE को कि वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, दैट इज TAC सिक्योरिटी, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। TAC सिक्योरिटी BSE के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है एंड इसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि BSE को
जो है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीएससी सिक्योरिटी जो है एक ग्लोबल लीडर है, जो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़े लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं, सो उनको वो ग्लोबली क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो वो अभी बीएससी को भी वही सेम चीज करने के लिए मदद करने वाला है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीएससी सिक्योरिटी क्या करता है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ईएसओएफ प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू वो सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। सो ईएसओएफ क्या है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेम, तो इसके थ्रू जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम गोखले पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो विक्रम गोखले जिनका हाल ही में निधन हुआ 77 की उम्र में, तो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम सभी को पता है ये एक एक्टर थे। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज अवार्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 टू राजेंद्र पवार। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का राजेंद्र पवार को जो है वो दिया गया है। सो वो किनके द्वारा दिया गया है, किसने ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया है, दैट इज फिक्की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। इन्होंने जो है राजेंद्र पवार इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिक्की के जो प्रेसिडेंट है दैट इज संजीव मेहता, फाउंड हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, सो ये जो राजेंद्र पवार है ये चेयरमैन एंड फाउंडर है एनआईआईटी के। एनआईआईटी क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो एनआईआईटी के ये जो चेयरमैन एंड फाउंडर है राजेंद्र सिंह पवार, इनको ये अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का जो है दिया गया है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री हैज साइंड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना। सो कौन सी कंट्री जो है एक डील साइन कर रहा है लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील चाइना के साथ, तो वो है कतार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कतार एनर्जी ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो 27 ईयर का नेचुरल गैस सप्लाई डील जो है वो चाइना के साथ साइन कर रहा है। लॉन्गेस्ट सबसे मतलब बड़ा डील है ये, लंबे समय का डील जो है वो साइन किया जा रहा है बिटवीन कतार एंड चाइना। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, कतार की कैपिटल दोहा है, करेंसी है रियाल, प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलिज अल थानी। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मेन्स ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू। सो आंसर हो जाएगा इसका सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अर्बन गबरू ये एक ब्रांड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि एक मेन्स का ग्रूमिंग ब्रांड है। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग कुछ रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर है, इसमें कुछ चेंज होगा तो आप लोग वो ध्यान में रख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे जो ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली चेंज हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ अगर इसमें रहेगा आगे पीछे तो आपको वो चेंज ध्यान में रखना होगा। ओके, जैसे आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा मैंने आपको बताया था, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स हमने रिसेंटली डिस्कस किया था करंट अफेयर के सेशन में, जो कि युवराज सिंह बने हैं। ओके, सो ऑन की लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो आप ये पढ़ सकते हो। ओके, कुछ चेंज रहा तो आप लोगों को अगेन मैं यही कहना चाहूंगी, आपको वो मॉडिफाई करना है और आपको वही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो केवीआईसी के जो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए वो कौन बने ये हमें बताना है, दैट इज विनीत कुमार। सो विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है केवीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवीआईसी फाउंड हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो AICTE के जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो हमें बताना है, दैट इज TG सीतारामन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। TG सीताराम जो है वो बने हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। AICTE जो है वो फाउंड हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, अब इन्होंने ये जो सीताराम बने हैं इनसे पहले कौन थे ये आपको ध्यान में रखना होगा, दैट इज़ M जगदीश कुमार जो थे वो इनसे पहले थे। इनके जगह जो न्यू बने हैं दैट इज़ TG सीताराम, और ये जो जगदीश कुमार थे ये इंटरिम
थे, कुछ समय के लिए ही इन्हें जो है नियुक्त किया गया था, क्योंकि इनसे पहले जो थे उन्होंने उनका रिटायरमेंट हो चुका था। सो इंटरिम बने थे एम जगदीश कुमार एंड अभी उनके जगह पर जो न्यू नियुक्त हुए हैं फाइनल, दैट इज टीजी सीताराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती सेलिब्रेटेड द 25 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑन। सो प्रसार भारती ने 25 साल अपने कंप्लीट किए हैं। सो वो कब 25 साल कंप्लीट किए ये हमें बताना है, दैट इज 23rd of November 2022 को। सो 23 नवंबर को प्रसार भारती जो है वो डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस साल 2022 में 25 साल हो चुके हैं, उन्होंने सिल्वर जुबली जो है वो सेलिब्रेट किया है अपना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब फाउंड हुआ था, दैट इज ऑन 1997, 23rd of November 1997 में इसे फाउंड किया गया था। इसके CEO है शशि शेखर वेम्पति एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो 1997 में जो है इसे फाउंड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। सो प्रसार भारती के भी CEO की बात की जाए, रिसेंटली जिन्हें अपॉइंट किया गया एज अ CEO वो है गौरव द्विवेदी। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती ऊपर बात की हमने तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नीचे लाया है। तो यही ध्यान में रखना है साथ ही साथ कि प्रसार भारती जो CEO न्यू अपॉइंट हुए वो है गौरव। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपन इट्स फर्स्ट मीट कॉर्पोरेट ब्रांच इन केरला एट कोची। सो इनमें से कौन से बैंक है जिसने अपना पहला मीट कॉर्पोरेट ब्रांच जो है केरला कोची में जो है ओपन किया है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना पहला जो है मीट कॉर्पोरेट ब्रांच जो है केरला के कोची में जो है ओपन किया है। कहाँ पे ओपन किया है, कौन सी बैंक ने ओपन किया है, ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के हम लोग थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। फाउंड हुआ था 20th of July 1908 में, हेडक्वार्टर वडोदरा में है, MD एंड CEO है श्री संजीव चड्ढा। देन टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक एंड ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसका जब अमलगमेशन हुआ था वो कौन से बैंक के साथ हुआ था, तो विजया एंड देना बैंक के साथ इसने अमलगमेट किया था, मतलब कि ये मर्ज हुई थी एंड मर्ज होकर ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनी थी आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंसेक्यूटिव 7 टाइम फ्रॉम द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ डडेलधुरा नेपाल। सो डडेलधुरा नेपाल से 7वीं बार कॉन्जिकेटिव 7th टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सो उनका नाम क्या है, दैट इज शेर बहादुर दौबा जो है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बने हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि कितवीं बार जो है ये कॉन्जिकेटिवली नेपाल के PM बने हैं, दैट इज 7th टाइम है उनका जो नेपाल के वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू द PSLV-54 मिशन इसरो विल लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो PSLV-54 मिशन के थ्रू इसरो जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो है लॉन्च कर रहा है, ठीक है। सो उसका नाम क्या है, आंसर है EOS-06। सो EOS-06 जो है इसको, इस सैटेलाइट को, इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और मिशन क्या है, PSLV-54 मिशन है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च PSLV-54 EOS-06 मिशन विद ओशन सैट 3 एंड 8 नैनो सैटेलाइट ऑन बोर्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। ओके, सो 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी इसके थ्रू जो है लॉन्च किया गया है। सो वो 8 नैनो सैटेलाइट में आता है भूटान सैट, आनंद फ्रॉम पिक्सल, थाईबोल्ट के 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है, एंड एस्ट्रोकास्ट जो है उसके 4 नंबर्स आते हैं। ओके, सो एक हुआ भूटान सैट, सेकेंड है आनंद, थर्ड है थाईबोल्ट के 2 एंड एस्ट्रोकैट के 4। इस तरह 8 नैनो सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड द मिशन वॉज अकम्प्लीश फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, सो हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर टेक्सटाइल लेदर फर्नीचर ज्वेलरी एंड मशीनरी। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच साइन किया गया है फॉर द टेक्सटाइल लेदर फर्नीचर ज्वेलरी एंड मशीनरी के लिए। सो वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज वन ऑफ द 5 रेसिपिएंट ऑफ यूएन
हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ. सो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसने अनाउंस किया है इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन को. ये एक आसाम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है. सो इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड जो है वो दिया गया है. सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर वो नैरोबी केन्या में है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये आसाम से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, सो यहां पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं. हम लोग बढ़ते हैं हमारी बुलेट न्यूज की ओर, जिसके थ्रू हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे 15-30 नवंबर के करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे कवर करेंगे. ओके, सो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज. इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे. सो हमारा सबसे पहला न्यूज है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रीनेम्ड एज अ ग्रीड कंट्रोल ऑफ इंडिया. सो इंपॉर्टेंट है, जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है उसने रीनेम किया है एंड अभी वो नाम चेंज होकर हुआ है ग्रीड कंट्रोलर ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद. सो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का जो समिट है वो हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया. नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन. सो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने चौथा फेज जो है डिजिटल शक्ति कैंपेन का वो है लॉन्च किया है. सो नेक्स्ट न्यूज है हमारा त्रिपुरा सीएम लॉन्च अमर सरकार पोर्टल टू प्रोवाइड ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. सो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अमर सरकार पोर्टल को जो है लॉन्च किया है. सो ये आपको ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट है तमिलनाडु इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेम. सो इंडिया का ये पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. द नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट डबल्स द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो फ्रीडम फाइटर का पेंशन जो है वो डबल करेगी, डबल प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट धनकर अटेंड फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेशन इन कतार. सो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, उन्होंने जो है फीफा वर्ल्ड कप का जो इनॉग्रेशन था उसको अटेंड किया है एंड फीफा वर्ल्ड कप इस साल का 2022 का कतार में है. ओके, नेक्स्ट है गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड सरस आजीविका मेला 2022 को. तो गिरिराज सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है सरस आजीविका मेला 2022 का. नेक्स्ट है सर्वानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड यूनानी इंस्टीट्यूट इन सिलचर. सो यूनानी इंस्टीट्यूट जो है जो कि सिलचर में इनॉग्रेट किया गया सर्वानंद सोनोवाल द्वारा. अन्नमलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च जम्बो ट्रेल्स इन कोयम्बटूर. सो कोयम्बटूर में जम्बो ट्रेल्स को जो है लॉन्च किया गया. कहाँ पे? अन्नमलाई टाइगर रिजर्व में. अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च 53 आवर्स अ चैलेंज. सो अनुराग सिंह ठाकुर, मैंने आपको अभी कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर जो है उन्होंने लॉन्च किया था इस 53 आवर्स चैलेंज. सो 53 आवर्स चैलेंज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें आपको बताया था मैंने डियर डायरी इस फिल्म ने जो है अवार्ड जीता है. ओके, सो इस 53 आवर्स चैलेंज को किसने इनॉग्रेट किया ऐसा पूछा गया, दैट इज अनुराग सिंह ठाकुर. ओके, इंडिया एंड ईयू साइन एन एग्रीमेंट फॉर द क्लाइमेट क्वांटम टेक. इंडिया जिंदल वन बोत्सवाना कोल फायर पावर प्लांट प्रोजेक्ट. अश्विनी वैष्णव लॉन्च एंटरप्रेन्योरशिप सेल एट सी डॉट कैंपस दिल्ली. सगाई फेस्टिवल 2022 कमेंस इन मणिपुर. सो सगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में कमेंस किया गया. अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप सेल कहां पे? सी डॉट कैंपस दिल्ली में. इंडिया के जो जिंदल है उन्होंने जीता है बोत्सवाना कोल फायर पावर प्लांट प्रोजेक्ट. मतलब कि जीता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये कोल फायर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने के लिए उन्हें जो है वो अप्रूवल मिल चुका है. ओके, देन इंडियन ईयू ने साइन किया एग्रीमेंट फॉर द क्लाइमेट. ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी. बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते और देखते और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज को. मुंबई बिकम फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप सीडीपीज क्लाइमेट एक्शन लिस्ट. सो मुंबई ये जो है ये पहला सिटी बन गया है साउथ एशिया का जिसने टॉप किया है सीडीपी क्लाइमेट एक्शन लिस्ट में. इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी टू बी बेस्ड इन तेलंगाना. सो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी जो है जो कि तेलंगाना में जो है लाया गया है. ओके, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टू एक्वायर बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़. सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक्वायर किया है बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपीज में. एफएसएसआई अप्रूव याक एज अ फूड एनिमल. सो एफएसएसआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया है याक को एज अ फूड एनिमल. ओके, सीएम बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट. कहाँ पे? राजगीर में. बेंगलुरु ने होस्ट किया G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग को इन फेब 2023.
तो ऐसा बोला जा रहा है कि बेंगलुरु में जो है G20 का फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग जो है 2023 का जो है वो बेंगलुरु होस्ट करेगा। ओके, ये ध्यान में रखना है, G20 का फाइनेंस मिनिस्टर का जो मीटिंग है 2023 का फरवरी में जो होने वाला है उसको कौन होस्ट करेगा? बेंगलुरु होस्ट करेगा। एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विसेज इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। सो एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विस जो है बेंगलुरु में लाई गई, इसे इनॉग्रेट किया गया है। एरो इंडिया 23 टू बी हेल्ड फ्रॉम 13-17 फेब इन बेंगलुरु। सो एरो इंडिया 23 जो है ये बेंगलुरु में हेल्ड होगा फ्रॉम 13-17 फरवरी। ओके, रेलवे टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन बाय 25-26। सो रेलवे क्या करने वाला है? एक्सपोर्ट करने वाला है वंदे भारत ट्रेन्स को बाय 2025-26 में। ओके, सो 25-26 इस सेशन से एक्सपोर्ट होने वाली है वंदे भारत ट्रेन। ओके, देन तमिलनाडु सीएम इनॉग्रेटेड स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क। सो तमिलनाडु ने इनॉग्रेट किया है इंडस्ट्रियल पार्क को। ओके, के सिंह इनॉग्रेटेड मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार। सो के सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को, डॉक्टर मतलब ये क्लिनिक है जिसके थ्रू जो है डॉक्टर जो है उसकी सर्विसेज घर तक प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एस जयशंकर एड्रेस 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। सो एस जयशंकर जो है वो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, इन्होंने 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को क्या किया है? एड्रेस किया है। मनोज कुमार इनॉग्रेटेड रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। सो मनोज कुमार ने इनॉग्रेट किया है रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को नैनीताल में। विस्तारा एयरलाइंस टू बी मर्ज विद एयर इंडिया बाय मार्च 2024। सो मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस जो है एयर इंडिया के साथ मर्ज अप करेगी। यूएई होस्ट कर रहा है फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट। आईआईटी दिल्ली इन टॉप 50 टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। सो IIT दिल्ली जो है टॉप 50 में आता है इन टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में। रशिया बिकम द टॉप सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंडिया। रशिया ने टॉप किया है जो कि फर्टिलाइजर्स को सप्लाई करता है इंडिया में, और उसमें उसने टॉप किया है। वावे मोना लुआ वॉल्केनो इरप्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर्स। सो ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हुआ आफ्टर 40 ईयर्स। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी अनाउंस होमर एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022। वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैम्ब्रिज ने जो है होमर इसको वर्ड ऑफ द ईयर जो है अनाउंस किया है। ठीक है, मैंने कॉलिंस का भी आप लोगों को बताया था, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि कॉलिंस ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। ठीक है, सो अभी आपको ध्यान में रखना है कि कैम्ब्रिज ने होमर इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो अनाउंस किया है। देन लास्ट हमारा न्यूज है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, जहां पे इंडिया ने रैंक किया है 61st एंड टॉप किया है यूएस ने। ओके, इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डिफेंस एंड साइंस है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस फ्रॉम श्रीहरिकोटा बिल्ड बाय द स्काईरूट एरोस्पेस। सो इसरो ने क्या किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया उनका पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रमएस, कहां से? श्रीहरिकोटा से, जो कि बिल्ड किया गया था स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। देन INS त्रिकंड पार्टिसिपेटेड इन सी स्वॉर्ड 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल। 27th conference of DGSP and IGSP and heads of CPOs of the Northeastern held in Agartala. Indian Army is participating in bilateral joint training exercise Garuda Shakti with Indonesian Special Forces at Kaurang, Indonesia. India's first private launch set up by the Agnikul Cosmos at Sriharikota. 13th bilateral level exercise Naseem al-Bahar 2022 concluded between India and Oman. Joint military exercise ऑस्ट्रा हिंद 2022 स्टार्ट्स इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियन नेवी लॉन्च न्यू सर्वे वेसल जिसका नाम है इशक। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि न्यू सर्वे वेसल जिसका नाम इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है उसका नाम है इशक। जैन देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो है जो कि स्टार्ट हुई राजस्थान में, किसके बीच की एक्सरसाइज है ये? ऑस्ट्रा हिंद 2022 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देन 30th बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है नसीम अल बहर, ये कंक्लूड की इंडिया एंड ओमन के बीच में, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट जो है लॉन्च पैड सेट किया गया अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। ओके, देन इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है जो बायलेटरल एक्सरसाइज है गरुड़ा शक्ति में, जो कि किसकी किसके बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। ओके, 27th कॉन्फ्रेंस हुआ किसका किसका? डीजीएसपी का, आईजीएसपी का और सीपीएस के जो हेड है इनके बीच में, कहां पर हुआ? अगरतला में। ओके, एंड जो INS त्रिकंड है ये
इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन सीज वॉर 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल में. ओके, सो ये था डिफेंस एंड साइंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हम लोगों ने डिस्कस की. हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. इंटरनेशनल फिल्म फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA साइन एन MOU विद RBI फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन. सो IFSCA ने किसके साथ MOU साइन किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप किया है JCB के साथ टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि फेडरल बैंक ने JCB के साथ टाई अप किया है जिसके थ्रू जो हैवी इक्विपमेंट बायर्स है, ठीक है, उनको फेडरल बैंक जो है वो फाइनेंस करेगा. गवर्नमेंट इंक्रीज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ PSU टू 10 ईयर्स. अगेन ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, 5 ईयर्स हुआ करता था, वो 10 ईयर बढ़ चुका है, दैट इज अभी 10 ईयर्स हो चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है. टाटा पावर सोलर सिस्टम पार्टनर विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प MSME सेक्टर. सो MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए टाटा पावर ने पार्टनरशिप किया है यूनियन बैंक के साथ. RBI अलाउ कैनरा बैंक HDFC बैंक फॉर रुपी ट्रेड विद रशिया. सो RBI ने अभी कैनरा और HDFC बैंक को भी अलाउ कर दिया गया है जिसके थ्रू रुपी का ट्रेड जो पैसे का ट्रेडिंग जो है वो रशिया के साथ होगा. नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग अकाउंट. सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग अकाउंट को. KVG बैंक रिसीव अवार्ड फॉर द अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट. सो अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट के लिए जिस बैंक ने अवार्ड रिसीव किया, दैट इज KVG बैंक. एंड IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च अ फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड. तो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक. ओके, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन. अरविंद वर्मानी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग के. न्यू फुल टाइम मेंबर बने हैं अरविंद वर्मानी, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा. बंडारू विल्सन बाबू अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोमोरस. सो कोमोरस के लिए जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए इंडिया से, दैट इज बंडारू विल्सन बाबू. सुरजन भान अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट. अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ ONGC के न्यू हेड बने हैं अरुण कुमार सिंह. CV आनंदा बोस बने हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यू बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा. CV आनंदा बोस इससे पहले कौन थे? वो थे जगदीप धनकर, जो बने अभी वाइस प्रेसिडेंट एंड उनकी जगह खाली थी और उनकी जगह पे अभी न्यू अपॉइंट है, दैट इज CV आनंदा बोस. वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा कौन से नंबर के ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा. अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो अरुण गोयल ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं. कसियम जोमाट टोकाइव इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कसियम जोमाट टोकाइव. सुब्रत कुमार अपॉइंटेड एज एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के. न्यू ईडी बने हैं सुब्रत कुमार. अनवर इब्राहिम इलेक्टेड एज अ 10th PM ऑफ मलेशिया. मलेशिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर इब्राहिम. देन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज अपॉइंटेड अ प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक एज अ नक्षमित्रा एम्बेसडर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने अपॉइंट किया है पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट जो है दीपा मलिक, ठीक है. सो उनको एज अ नक्षमित्रा एम्बेसडर जो है उन्हें बनाया है. ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि नक्षमित्रा की जो एम्बेसडर बनी है दैट इज दीपा मलिक. ओके, नेक्स्ट है गुरदीप रंधावा अपॉइंटेड एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ CDU इन जर्मनी, ठीक है. सो गुरदीप रंधावा जो है वो अपॉइंट हुए हैं स्टेट प्रेसिडियम ऑफ CDU इन जर्मनी. ओके, नेक्स्ट है जानवी कपूर अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैरिको सफोला 55. सो जानवी कपूर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरिको की, ठीक है. एंड विनय मोहन क्वात्रा अपॉइंटेड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी. फिर से इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी के लिए रीअपॉइंट किया है विनय मोहन क्वात्रा को. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारा अवार्ड. उमा शर्मा रिसीव सुमित्रा चरत राम अवार्ड. सो उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया गया. खालिद जवाद वन JCB प्राइज फॉर द लिटरेचर. सो JCB प्राइज 2022 का किसे दिया गया? खालिद को दिया गया. वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है JCB प्राइज, ठीक है, जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो खालिद जावेद को दिया गया. दलाई लामा ऑनर विद अ गांधी मेंडेला अवार्ड 2022. सो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से. चिरंजीवी नेम द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 एट IFFI. सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022
के लिए नवाजा गया। मैट्रिक्स अवार्डेड पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 टू द प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो मैट्रिक्स को अवार्ड दिया गया है फॉर द पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 और एक इनके द्वारा दिया गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा दिया गया। एपी श्रीधर अवार्डेड इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022। प्रोडक्ट वन प्रेस्टिजियस सेल्फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022। रवि कुमार सागर ऑनर विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। फिशरीज मिनिस्ट्री अनाउंस द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। उन्होंने अनाउंस किया है फिशरी मिनिस्ट्री ने गोपाल रत्न अवार्ड 2022 को। तमिल राइटर इमेम इलेक्टेड एज अ कुवेंपू नेशनल अवार्ड। सो तमिल राइटर जो है इमायम, इनको जो है कुवेंपू नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। अवनी लेखरा ने रिसीव किया है पैरास्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। पंचायत राज मिनिस्ट्री जो इसने गोल्ड अवार्ड जीता है इन ई गवर्नेंस कैटेगरी। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है उन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। देन ईरानियन फिल्म जो है नरगिसी, इसे ISFT यूनेस्को गांधी मेडल जो है ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? IFFI 53 का जो एडिशन था 53rd एडिशन, उसमें ईरानियन फिल्म जो है नरगिसी को ये अवार्ड दिया गया। देन छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को भी यूनेस्को अवार्ड दिया गया। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में कवर अप करवाया था आप लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को अवार्ड दिया गया है। ओके सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। स्पेशली आप लोगों को जो ध्यान में रखना है दलाई लामा वाला ध्यान में रखने का है। ओके देन आप लोगों को जो ध्यान में रखना है कि फिशरी मिनिस्ट्री जो है उसने गोपाल रत्न अवार्ड को अनाउंस किया है। ओके देन अवनी लेखरा को जो है पैरास्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पंचायत राज मिनिस्ट्री जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन ई गवर्नेंस कैटेगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा देवी बर्मन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, ये असम से बिलोंग करती है। ओके अगेन ईरानियन फिल्म है ये नरगिसी, जिसे यूनेस्को गांधी मेडल जो है या FFI में दिया गया। ओके देन उसके बाद छत्रपति शिवाजी संग्रहालय को भी यूनेस्को अवार्ड दिया गया, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद JCB प्राइज जो है लिटरेचर के लिए खालिद जावेद को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो स्पेशली आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्पोर्ट्स। पैडलर शरद कमल बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। सो शरद कमल जो है ये पैडलर है और ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्हें इलेक्ट किया गया फॉर द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के लिए। ओके इंडियन वन 25 गोल्ड मेडल एट 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप। सो 15th एयरगन एशियन चैंपियनशिप जो हुआ उसमें इंडिया ने 25 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। कार्लोस अल्कराज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर ATP प्लेयर। सो नंबर 1 ATP प्लेयर बने हैं कार्लोस, और जो कि सबसे यंगेस्ट है। ओके मैक्स वर्स्टापन 1 F1 अबू धाबी GP 2022। नोवाक जोकोविक 1 6th ATP फाइनल टाइटल। सो नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने 6th ATP फाइनल जो है वो जीता है, एंड मैक्स वर्स्टापन जो है वो F1 अबू धाबी जो GP 2022 है उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। सेबेस्टियन वेटल रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला 1 रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेबेस्टियन वेटल जो है उन्होंने जो फॉर्मूला 1 रेसिंग होती थी उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। मनिका बत्रा बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट एशियन कप। सो एशियन कप में पहली विमेन इंडियन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है, दैट इज मनिका बत्रा। मद्रास बोट क्लब विमेन टीम 1 अदियार ट्रॉफी 2022। सो मद्रास बोट क्लब जो है विमेन्स का उसने अदियार ट्रॉफी 2022 में जीत हासिल की है। रवीनामन गोल्ड मेडल इन यूथ मेन्स एंड विमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। सो रवीना जो है उसने जीत हासिल की है इन जो यूथ का मेन्स एंड विमेन्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें रवीना ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप किक्स ऑफ इन अल खोर दोहा, एंड इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। सो इस साल का जो 22nd एडिशन का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है दैट इज इन अल खोर दोहा। सो इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो हम लोग कुछ थोड़ा फीफा इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फीफा का जो इस साल का कतार में होने वाला है, ठीक है, सो इसमें जो कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस साल का जो एडिशन था वो 22nd एडिशन था। ओके अब 26 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है दैट इज इन कनाडा मैक्सिको एंड USA। सो इन 3 कंट्रीज में होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। देन फीफा का जो अंडर 20 विमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है दैट इज इन कोस्टा रिका। अंडर 17 का जो विमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का दैट इज इन इंडिया। एंड अंडर 17 का विमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का वो होने वाला है इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो मैंने अपकमिंग इवेंट्स बताया फीफा के जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके फीफा का जो प्रेसिडेंट है दैट इज गियानी इन्फेंटियानो, फाउंड हुआ था 21st ऑफ मई 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में।
ओके सो ये था अबाउट फीफा। ओके बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज बुक्स एंड ऑथर। बुक टाइटल द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री ऑथर्ड बाय साइमन सेबैक। सो ये जो बुक है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, ये साइमन सेबैक की ये बुक है। ओके ये उसके ऑथर है। एंड नेक्स्ट बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक को लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, ठीक है, एंड पब्लिश किया गया है ICHR द्वारा। ओके नेक्स्ट कैटेगरी हमारा इंपॉर्टेंट डेज, तो हम लोग 15th ऑफ नवंबर से 30th ऑफ नवंबर की बात करते हैं। तो 17th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे एंड 16th ऑफ नवंबर मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। देन 18th की बात की जाए तो नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। फिर 18-24 एक वीक मनाया गया दैट इज वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, जिसका थीम था प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। 19th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे, जिसका थीम था हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। 20th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ओके सो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है वो 20th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। देन 19-25 अगेन एक वीक मनाया गया दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक, वेरी इंपॉर्टेंट। 25th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। देन 28th नवंबर थर्ड संडे ऑफ द नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जिसका थीम था इस साल का जस्टिस। देन 25th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ओके एंड इस साल का थीम था यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। 25th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है लचित दिवस। 26th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। 27th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैडेट क्रॉप्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेशनल कैडेट क्रॉप्स डे जो है वो 27th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। एंड 29th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि आपको ध्यान में रखना है विद देयर थीम्स। लास्ट कैटेगरी है दैट इज ओबिचुरी। इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर अब्बास मुंतासिर जो है उनका निधन हुआ, तो ये एक इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर थे, आपको ये पूछा जा सकता है। एंड एवर्टन पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर कांगुड़ा पास्ड अवे, सो ये एक पंजाबी एक्ट्रेस है ओके जिनका निधन हुआ है। ओके सो ये थी हमारी बुलेट न्यूज जो कि अगेन कंप्लीट हो चुकी है। हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड देन हम लोगों ने बुलेट न्यूज को डिस्कस किया एंड इसी के थ्रू हमने 15th ऑफ नवंबर से 30th ऑफ नवंबर का कंप्लीट जो है करंट अफेयर कवर अप किया है। सारे कैटेगरीज को हमने कवर अप किया है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस, साइंस, अवार्ड्स, किसी का अपॉइंटमेंट, देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज को भी हम लोगों ने कवर अप किया है। ओके स्पोर्ट्स कैटेगरी कवर अप हुई है, बुक्स एंड ऑथर कवर अप हुई है, इंपॉर्टेंट डेज कवर अप हुए हैं, ओबिचुरीज कवर अप हुई है, कुछ डिजाइन जो हुआ है वो कवर अप हुआ है। एंड ऑल इन ऑल हमारा कंप्लीट जो है सब कुछ इस सेशन में जो है कवर हो चुका है। अगर आप लोगों को इसी तरह आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आपको मुझे जो है सब्सक्राइब करना होगा ये चैनल को, ताकि मेरा जो तरीका होता है मैं इसी वे से आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड करवाती हूँ क्वेश्चन फॉर्म में भी एंड बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में भी, ताकि दोनों चीज़ें के थ्रू हम लोग कंप्लीट जो है करंट अफेयर को कवर अप कर सके। सो आपको इसी तरीके से अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करना होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।